पंजाब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। हालात तो यहां तक बन गए हैं कि सिद्धू ने अब अपने करीबी नेताओं को भी कैप्टन के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया है, जिससे कैप्टन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। खबरों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी सलाहकार मालविंद्र सिंह मल्ली ने कैप्टन पर निशाना साधते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करने के बाद बदले बदले नजर आ रहे हैं और पंजाब की सियासत का जिम्मा उन्होंने केंद्र सरकार को सौंप दिया है। मालविंद्र सिंह मल्ली ने कहा कि कैप्टन सरकार का कार्यकाल सबसे बुरा है, क्योंकि कैप्टन सरकार ने जनता के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो बैठे बिठाए विपक्षी पार्टियों को मुद्दा दिया है। इसमें पंजाब चुनाव में कांग्रेस को फर्क पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू इस कोशिश में लगे हैं कि कैप्टन को सीएम पद की कुर्सी से उतारा जाए और खुद उस कुर्सी पर काबिज हुआ जाए। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।